हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, जो ये सीरीज चला रखी है लास्ट 6 मंथ की, जो करंट अफेयर्स को जो हम कवर करा रहे हैं, तो इसकी जो सीरीज चला रखी है इसके आज हम बात करेंगे सेट नंबर 13 की यहाँ पे बात करेंगे। और इससे पहले देखिए, इस सीरीज के 12 वीडियो हम 12 सेट ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसके अंदर हमने कवर कराई है लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स है इसको। और यहाँ पे जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स है, इसमें से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उनको यहाँ पे कवर किया गया है। गाइस, आप सभी को पता है, चाहे आप बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दो, बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्जाम दो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, चाहे एसएससी का दो, चाहे पुलिस का दो, कोई सा भी एग्जाम दो, करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रेशो रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो चलो गाइस, बिना किसी देर के स्टार्ट करते आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आप सब के सामने आ चुका है स्क्रीन पे, देखिए आंसर कीजिएगा। जिस किसी को आंसर आता है कमेंट करके आंसर बताना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, विश्व एड्स दिवस का पूछा गया है कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की बात हो रही है, तो जो विश्व एड्स दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब ये तो हमने देख लिया। देखो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वर्ल्ड एड्स डे, यानी कि जो विश्व एड्स दिवस है कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि जो विश्व एड्स दिवस है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि विश्व एड्स दिवस है यह हर साल मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन हमें बताना है कि 2019 का जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या रही, विषय क्या रहा, यह आपको बताना है। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो, तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, ये इस बार की थीम रही। यानी कि 2019 को जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को, इसकी थीम क्या रही, कम्युनिटीज मेक्स द डिफरेंस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स की जो लिस्ट जारी की गई है, इसके अनुसार हमें बताना है कि सबसे अमीर व्यक्तियों के रूप में जो मुकेश अंबानी है, इनकी कौन सी रैंक रही है, कौन से स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी, ये आपको बताना है। तो देखिए, फोर्ब्स के द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी की गई है रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट जो जारी की गई है, इस रिपोर्ट में मुकेश अंबानी की बात करें तो रहे हैं 9वें स्थान पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9वें स्थान पे रहे हैं, ये आपको याद रखना है मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी का तो हमने देख लिया कि 9वें स्थान पे रहे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए पहले स्थान पे कौन रहे, दूसरे पे कौन रहे, तीसरे पे कौन रहे, ये चीजें भी जानना जरूरी है। तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या चीजें, देखिए यहाँ पे जो अमेजन कंपनी है इसके जो संस्थापक और सीईओ हैं जिनका नाम है जेफ बेसोस, ये रहे पहले नंबर पे, ठीक है। इसके बाद अब कितनी संपत्ति के साथ रहे हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन रहे, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो हैं जिनका नाम है बिल गेट्स, ये रहे हैं। और तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे कौन रहे हैं, ये भी आप देख सकते हो, जो ये LVMH है इसके जो बर्नार्ड अर्नोल्ट है, इसकी जो फैमिली, ये रही है 3rd पोजीशन पे। मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, भाई मुकेश अंबानी कौन से पे रहे हैं, 9वें स्थान पे रहे हैं, पहले नंबर पे कौन रहे, ये आपसे पूछ सकते हैं, जो कि रहे अमेजन के जो CEO और संस्थापक है जेफ बेसोस, ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मित्रा शक्ति का पूछा है कि भारत और किस देश के बीच की है। कई बार आपसे ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम दे देंगे किसी का भी और पूछ लेंगे कि भाई किस किस देश के बीच की है। तो देखो, मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति जिसका नाम है, ये भारत और श्रीलंका के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करंट आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति किस किस के बीच की है, श्रीलंका और भारत के बीच की संयुक्त सैन्य अभ्यास है यानी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो मित्र शक्ति इसका नाम लिखा हुआ है और किस किस देश के बीच की है, हम देख चुके हैं भारत और श्रीलंका के बीच की। अब श्रीलंका के बीच की है तो श्रीलंका के बारे में जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडिया का मैप, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है श्रीलंका का
का मैप। तो चलो गाइस देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धने पोरे कोते। अब यहाँ पे बात करें कि इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है रुपया, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 का जो आयोजन है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। हमें बताना है कि 2020 का जो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार है इसका आयोजन पहली बार किसके द्वारा किया जा रहा है। गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 का जो आयोजन है ये किया जा रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 2 दिसंबर को देश भर में मिशन जो इंद्रधनुष है इसका सेकंड एडिशन यानी 2.0 ये जो एडिशन है ये इसका, तो इसको लॉन्च किया है। तो हमें बताना है कि भाई जो ये मिशन इंद्रधनुष है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको बताना है। गाइस ध्यान दीजिए इसको कब लॉन्च किया, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2 दिसंबर को देश भर में मिशन इंद्रधनुष है इसका दूसरा संस्करण इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका उद्देश्य बताना है। गाइस आपसे कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है इसको कब लॉन्च किया गया, तो उस केस में आपको याद रखना है 2 दिसंबर को। अब इसका मेन उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है बच्चों का टीकाकरण करें, ये है इसका मेन उद्देश्य। अब गाइस यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इससे आप याद रख सकते हो। यहाँ पे इस मिशन का नाम लिखा गया है मिशन इंद्रधनुष, और यहाँ पे आप देखिए एक बच्चा है जो कि इंजेक्शन लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं, तो यही है इसका मेन उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए गाइस आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वो राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। हमें बताना है उस राज्य का नाम बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो गाइस ये किया नागालैंड राज्य ने, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात हुई है नागालैंड की, तो यहाँ देखिए आप नागालैंड की बात करें तो ये जो इंडिया का मैप है गाइस इसमें जो नागालैंड है देखो इस तरफ यहाँ पे पड़ता है नागालैंड, ठीक है ये मैंने बता दिया। यहाँ आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे है नागालैंड, और नागालैंड की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, कोहिमा, कोहिमा है राजधानी। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नेप्यू रॉय, और ये इसके जो राज्यपाल है नागालैंड के जो राज्यपाल है उनका नाम है आरएन रवि। अब दूसरी चीज आपको एक और याद रखनी है यहाँ पे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इनटंकी नेशनल पार्क कहाँ पे है, नागालैंड में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गाइस आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में बीएसएफ ने किस दिन स्थापना दिवस मनाया, आपको बताना है। अब देखो अगर आपको ये जो बीएसएफ है इसकी स्थापना का पता होगा कि भाई बीएसएफ की स्थापना कब हुई, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आपको बताना है कि भारत में बीएसएफ ने किस दिन स्थापना दिवस मनाया, तो गाइस ये मनाया 1 दिसंबर को, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। अब यहाँ पे देखिए बीएसएफ से रिलेटेड फैक्ट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप जान लीजिए, बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये तो है इसकी फुल फॉर्म। अब इसका मोटो क्या है गाइस यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ, ये है इसका मोटो। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। फाउंडर कौन है ये भी आप देख सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है इसकी फाउंडेशन डेट आपको याद रखनी है भाई कभी इसकी स्थापना हुई, तो 1 दिसंबर 1965 को, तो इसलिए जो बीएसएफ है इसने 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2019 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ये किसने जीता ये बताना है। तो गाइस 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई है, तो 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जीता अक्कीथम नंबूदरी ने, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्कीथम नंबूदरी है, इन्होंने 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। और देखो अगर पूछे कि भाई किस भाषा के लिए इन्होंने ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, तो मलयालम आपको याद रखना है, वो क्वेश्चन भी लिया हुआ है, आगे सारे सब तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन
आपसे पूछा गया है कि 18वां तो देखो संस्करण है, तो हमें बताना है कि ये 18वां विश्व पवन ऊर्जा सम्मेलन है ये किस देश में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए गाइस, 18वां एडिशन है, तो आपको बताना है कि 18वां विश्व पवन ऊर्जा सम्मेलन है किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था ब्राजील में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ब्राजील में 18वां विश्व पवन ऊर्जा सम्मेलन है इसको आयोजित किया गया था। 18वां आपको याद रखना है कहाँ पे किया गया, ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासिलिया, ये भी याद रखना है आपको। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर से ये क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक पुस्तक का नाम दे रखा है, यहाँ पे एक बुक पुस्तक का नाम हमें दे रखा है, और इस पुस्तक का नाम क्या है, यहाँ देखिए, द लेगेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मलेसी। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है कि भाई किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इस पुस्तक की बात करें तो डोना सूरी है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डोना सूरी। अब यहाँ देखिए ये जो पुस्तक है ये बुक है, इसका कवर पेज आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ इस बुक का नाम लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हो गाइस, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, द लीजेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मलेसी, तो ये बुक का नाम लिखा है। और यहाँ पे नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस डोना सूरी लिखा हुआ है, तो डोना सूरी ने इस बुक को लिखा है, ये है इसकी ऑथर, ये भी आपको याद रखना है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि प्याज संकट के कारण भारत सरकार ने कौन सा देश है जिससे 11,000 मिलिट्रिक टन प्याज आयात करने की योजना बनाई है, तो हमें उस देश का नाम बताना है कि प्याज संकट के कारण भारत जो है, भारत सरकार इसने कौन से देश के साथ 11,000 मिलिट्रिक टन प्याज आयात करने की योजना बनाई है। तो गाइस भारत ने ये योजना बनाई है तुर्की के साथ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्याज संकट के कारण भारत सरकार जो है इसने तुर्की के साथ में तुर्की से 11,000 मिलिट्रिक टन प्याज आयात करने की योजना बनाई है, आंसर हो जाएगा तुर्की। गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है यूएनडीपी का, यहाँ पे लिखा है कि जो ये यूएनडीपी है इसने भारत के कौन से शहर में एक्सीलरेटर प्रयोगशाला है इसको शुरू किया है। भाई यूएनडीपी की बात हो रही है, यूएनडीपी जो है इसने भारत का वो कौन सा शहर है जहाँ पे एक्सीलरेटर प्रयोगशाला है इसको शुरू किया है, तो गाइस ये कहाँ पे किया है, नई दिल्ली में किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखो आंसर हम देख चुके हैं ना, अब यहाँ पे क्या जानना जरूरी है गाइस, यूएनडीपी की बात हुई है तो इससे जुड़े फैक्ट जानना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इसकी फुल फॉर्म, यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह है इसकी फुल फॉर्म। और इसका मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूएनडीपी का। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, फाउंडेशन डेट आपको याद रखनी है, इसकी स्थापना हुई 1965 में हुई, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण, ये भारत और कौन से देश के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब यहाँ बात हुई सूर्य किरण की बात हुई है ना, तो देखो सूर्य किरण की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच की ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं नेपाल। गाइस यहाँ पे देखिए नेपाल हमारा आंसर है, और यहाँ आपको जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंडिया का मैप, आपको इंडिया का फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है और ये है नेपाल का फ्लैग। तो गाइस नेपाल और भारत के बीच की संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। अब यहाँ नेपाल हमारा आंसर है तो क्यों ना थोड़ा डिस्कस करें नेपाल के बारे में। सबसे पहले नोट कीजिए नेपाल की राजधानी जो कि है काठमांडू, और नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है अक्कीतम नंबूदरी है इनको दिया गया, लेकिन हमें बताना है कि भाई किस भाषा के लेखक हैं ये, किस भाषा के लिए इनको दिया गया। तो भाई अक्कीतम नंबूदरी की बात करें तो पिछले ही मैंने क्वेश्चन में बताया था, जब क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है अक्कीतम नंबूदरी को, और किस भाषा के लेखक हैं ये, मलयालम के, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलयालम, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक बतानी है क्या है। ध्यान दीजिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात हो रही है, 2019 में भारत की क्या रैंक रही ये आपको बताना है। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 की जो ये रिपोर्ट जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा, 80वां स्थान रहा। और 2018 का पूछे तो 2018 में भारत रहा था 78th पोजीशन पे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए गाइस, भारत का तो हमने देख लिया, भारत कौन से स्थान पर रहा है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो 80वें स्थान पर रहा है। और कितने स्कोर के साथ, तो भारत को मिले 41 अंक के साथ में भारत 80वें स्थान पर रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 2018 से कितने पोजीशन का नुकसान हुआ, तो -2 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2018 में भारत इसमें रहा था 78th पोजीशन पर रहा था। अब यहाँ देखिए पहले नंबर पे कौन रहा है ये भी पता होना चाहिए गाइस। तो पहले नंबर पे देखो यहाँ पे रहा है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। अब देखो डेनमार्क और न्यूजीलैंड की बात करें तो दोनों को बराबर अंक मिले 87 87, और दोनों ही रहे पहले स्थान पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के अनुसार कौन सा राज्य है जो सबसे भ्रष्ट है। हमें बताना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के अनुसार कौन सा वो राज्य है जो सबसे भ्रष्ट राज्य है। तो सबसे भ्रष्ट राज्य है राजस्थान, भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के अनुसार सबसे भ्रष्ट राज्य है। अब बात हुई है राजस्थान की, तो गाइस यहाँ पे देखिए आप, ये जो इंडिया का मैप है इसमें राजस्थान की लोकेशन देखिए, इस जगह यहाँ पे पड़ता है राजस्थान, ठीक है, ये तो आपने देख लिया राजस्थान का। अब यहाँ देखिए भाई राजस्थान की बात करें तो इधर से गुजरात टच हो रहा है, गुजरात का बॉर्डर मतलब गुजरात की सीमा, और इधर से टच हो रही है मध्य प्रदेश की सीमा, यहाँ से टच हो रही है यूपी की सीमा, और यहाँ से हरियाणा की, और यहाँ से पंजाब की। तो गाइस ये भी पता होना चाहिए, देखो पंजाब का बॉर्डर टच हो रहा है, हरियाणा का भी टच हो रहा है, यूपी का भी हो रहा है, एमपी का भी हो रहा है, और गुजरात का भी हो रहा है, तो ये चीज़ें देख ली। अब राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, और उप मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सचिन पायलट। राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान में कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के भरतपुर जिले में। दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण ये अलवर जिले में है गाइस, ये वाला, और ये जो जो केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये काफी बार पूछा जाता है, और रणथंभौर सवाईमाधोपुर जिले में है। दूसरी चीज, यहाँ का जो डांस है लोक नृत्य है वो है घूमर, जो एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है, ये ऊपर के देखो यहाँ से लेकर गाइस ये तो आपको याद रखना ही है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजधानी भी पूछी जाती है, चीफ मिनिस्टर भी पूछ लिया जाते हैं, गवर्नर यानी राज्यपाल भी पूछे जाते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान डांस वगैरह ये सब पूछे जाते हैं। तो ये चीजें मैंने बता दी है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे बोला है। अब देखो सबसे, देखो ध्यान दीजिएगा गाइस, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पिछले क्वेश्चन में अपन से पूछा था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के अनुसार कौन सा वो राज्य जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन सा राज्य था, राजस्थान। अब यहाँ पूछा है कि भाई ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार वो कौन सा राज्य जो सबसे कम भ्रष्ट है, तो सबसे कम भ्रष्ट कौन सा राज्य, केरल, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल जो है वो सबसे कम भ्रष्ट है, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है राजस्थान। तो देखिए यहाँ पे केरल की बात हुई है, तो गाइस यहाँ देखिए आप मैप देखिए जल्दी से, ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप की बात करें तो भाई केरल की बात हुई है, तो यहाँ पे देखो ये लोकेशन दिखाई दे रही है, ये है केरल। अब केरल की बात करें तो देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिनसे इसका बॉर्डर टच होता है।
यहाँ पे देखिए केरल के इस साइड में है तमिलनाडु, तमिलनाडु का बॉर्डर टच हो रहा है, और यहाँ पे इस साइड है कर्नाटक, कर्नाटक का बॉर्डर टच हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। केरल की स्थापना कब हुई, तो केरल की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है पिनाराई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री है। और केरल के गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें तो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ये भी आपको याद रखना है गाइस। दूसरी चीज याद रखनी है, केरल में जो मेन इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क, जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके नाम देखिए, जैसे पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य और इदुकी, और इदुकी ये दो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। वैसे तो देखो सभी देख सकते हो आप, लेकिन ये दो पेरियार और इदुकी ये काफी बार पूछा जाता है, इदुकी वन्य जीव अभ्यारण और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण, ये बहुत बार पूछे जाते हैं कहाँ पे है, केरल में है। अब एक और क्वेश्चन केरल से बहुत बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में नाम ले लिया जाएगा, मतलब कोई भी लोक नृत्य का या फिर कोई भी जो लोक नृत्य हो चाहे शास्त्रीय नृत्य हो किसी का भी आपको दे सकते हैं। जैसे कि आपसे बोल दे कि कथकली जो डांस है, कथकली इसका आपको बताना है भाई किस राज्य का है, तो कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है यानी कि क्लासिकल डांस है, और ये कहाँ का है, केरल का। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ के हैं, केरल के हैं। कथकली को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, केरल की कली इस तरह से भी याद रख सकते हो। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस की बात करें तो हर साल मनाया जाता है 14 नवंबर को, हमारा आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। जिसको विश्व मधुमेह दिवस की बात करें तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको बतानी है कि भाई 2019 का जो विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या रही, तो यहाँ पे देखिए इसकी थीम लिखी हुई है, यहाँ पे देखो मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आपको, देखो यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है कि द फैमिली एंड डायबिटीज, ये रही इसकी 2019 का जो ये विश्व मधुमेह दिवस मनाया उसकी थीम, ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अच्छा ये चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है ना, अभी अभी यहाँ पे यही चीज पूछी गई है कि विश्व मधुमेह दिवस 2019 का विषय क्या रहा, तो ये मैंने अभी भी बताया था परिवार और मधुमेह, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विश्व धार्मिक नेताओं का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, यहाँ बात हो रही है विश्व धार्मिक नेताओं की बात हो रही है कि विश्व धार्मिक नेताओं का दूसरा शिखर सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो गाइस ये किया गया था अजरबैजान, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अजरबैजान में विश्व धार्मिक नेताओं का दूसरा शिखर सम्मेलन है इसको आयोजित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक देव जी अचीवर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भाई किसे गुरु नानक देव जी अचीवर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो देखो गुरु नानक देव जी अचीवर्स अवार्ड 2019 की बात करें तो इससे सम्मानित किया गया अवनीत सिद्धू को, अवनीत सिद्धू आपको याद रखना है जिनको गुरु नानक देव जी अचीवर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1 दिसंबर को विश्व विरासत समिति के लिए किस देश का चयन किया गया, आपको बताना है कि भाई 1 दिसंबर को विश्व विरासत समिति के लिए किस देश का चयन किया गया, तो ये किया गया थाईलैंड का, हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 दिसंबर को विश्व विरासत समिति के लिए थाईलैंड का चयन किया गया, आंसर होगा ऑप्शन ए थाईलैंड। यहाँ देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विश्व का वो कौन सा देश है जो कि हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला देश बना है। गाइस देखिए नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड विश्व का वो कौन सा देश है जो कि हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की जो पूरी प्रक्रिया है इसको पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला देश बना है, तो ये है इंडिया, भारत यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, यहाँ पे आपको याद रखना है इंडिया वो देश है जो कि हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला ये पहला देश बना है।
देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आपसे पूछा है कि कौन सा देश है जिसमें 2 दिसंबर से लेके और 13 दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसको आयोजित किया गया। आपको बताना है भाई, उस देश का नाम बताना है जहाँ पे 2 दिसंबर से लेके और 13 दिसंबर तक। ध्यान दीजिएगा इस, देखो यहाँ पे लिख देते हैं भाई, 2 दिसंबर से लेके और 13 दिसंबर तक, वो कौन सा देश है जहाँ पे 2 दिसंबर से लेके और 13 दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसको आयोजित किया गया। तो इसको किया गया स्पेन, आपका आंसर होगा स्पेन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन की राजधानी आप याद रख सकते हो मैड्रिड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 7000 टेस्ट रन बनाने वाला सबसे तेज खिलाड़ी बन गया है। आपको बताना है कि भाई निम्नलिखित में से कौन है जो कि 7000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बने स्टीव स्मिथ, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है गाइस। स्टीव स्मिथ जो हैं, स्टीव स्मिथ आपको याद रखना है, ये 7000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बने? स्टीव स्मिथ। और ये आप देख सकते हो, ये है स्टीव स्मिथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने हरियाणा में किस राजनीतिक दल को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी है। तो देखो भारत के चुनाव आयोग की बात करें तो इन्होंने हरियाणा के जो JJP राजनीतिक दल है, एक राजनीतिक दल का नाम है JJP, तो इसको राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस, भारत सरकार ने यहाँ पे बताना है भाई किस नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। तो जो भारत सरकार है इसके द्वारा एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली जो शुरू की गई है उसका नाम पूछा है कि किस नाम से शुरू की है। तो भाई ये की है सी बॉक्स, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बॉक्स के नाम से भारत सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है, आपको याद रखना है ऑप्शन ए सी बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने लोकतक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है। तो हमें बताना है कि लोकतक झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। गाइस क्या पूछा है ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने जो लोकतक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना जो है इसको मंजूरी दे दी है, तो हमें जो लोकतक झील जो है इसका बताना है। तो देखो लोकतक झील की बात करें तो आप सभी को पता है मणिपुर, यहाँ पर राइट आंसर होगा मणिपुर में है लोकतक झील, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है मणिपुर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भाई मणिपुर की बात हुई है तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, आपको याद रखनी है मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम क्या है? एन बीरेन सिंह, आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हो, ये एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री है। अब मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो इनका नाम है नजमा हफ्तुल्ला, आपको याद रखना है। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी आप देख सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में अपना व्यवसायिक पेपर सूचीबद्ध करने वाली पहली कंपनी कौन सी NBFC बनी, ये आपको बताना है भाई, उस कंपनी का नाम बताना है। तो स्टॉक एक्सचेंज में अपना व्यवसायिक पेपर सूचीबद्ध करने वाली पहली कंपनी की बात करें तो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड है, ये बनी NBFC बनी, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ नारायण सिंह जिनका निधन हो गया है कब हुआ है, ये आप देख सकते हो 14 नवंबर 2019 को। तो हमें बताना है कि प्रसिद्ध क्या थे। तो देखो हमारा आंसर हो जाएगा गणितज्ञ, ऑप्शन जो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, जो वरिष्ठ जो नारायण सिंह है इनका निधन हुआ है 14 नवंबर 2019 को, ये क्या थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अब यहाँ पे 14 नवंबर की बात करें तो भाई 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि आयुष मंत्रालय ने कहाँ पर जो योग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया। जो आयुष मंत्रालय है इसके द्वारा योग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, इसको आयोजित किया गया, वो कहाँ पे किया गया। तो देखिए आयुष मंत्रालय के द्वारा मैसूर में जो योग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसको आयोजित किया गया, कहाँ पे किया गया? मैसूर में, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 की सैर में आयोजित किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 की बात हो रही है, इसको आयोजित किया गया ब्रासिलिया में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, यहाँ पे 2019 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, इसको आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? ब्रासिलिया में। और ब्रासिलिया किसकी राजधानी है? ब्राजील की राजधानी है। अब यहाँ देखिए भाई, ब्रिक्स की बात हो गई तो ब्रिक्स के बारे में जानना जरूरी है। गाइस ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना हुई जून 2006 में। अब इसकी बात करें तो भाई इसके सदस्य देश जो हैं वो कौन हैं, कितने हैं, ये भी आप देख सकते हो। 5 सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं नाम नोट डाउन कीजिए। बी से बना ब्राजील, आर से बना रशिया, आई से बना इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये आपको याद रखना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये है ये सदस्य देश हैं ये। अब यहाँ पे देखो, ये जो सदस्य देश हैं इससे इनके जो लीडर हैं उनके नाम भी देख सकते हो। जैसे कि इंडिया एक सदस्य देश है ब्रिक्स का, तो इंडिया के लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और इसी तरह से जो रूस है, रशिया जो है, इसके जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये इसके लीडर हैं रूस के। और इंडिया के कौन है? व्लादिमीर, इंडिया के हैं नरेंद्र मोदी, ये आपको याद रखना है। और चाइना के कौन है? शी जिनपिंग। इस तरह से करके सारी चीज़ें आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2019 का ब्रिक्स युवा इनोवेटर पुरस्कार किसने जीता। 2019 का ब्रिक्स युवा इनोवेटर पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए 2019 का ब्रिक्स युवा इनोवेटर पुरस्कार की बात करें तो रवि प्रकाश ने जीता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि प्रकाश ने जीता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में ब्रिक्स के बारे में सारी चीज़ें बताई थी गाइस। और ब्रिक्स का मैंने बताया था कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो कितने देश हैं? 5 हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ ब्रिक्स, है ना। तो देखो, बी से क्या बताया था? ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा इटली, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी तो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, तो इटली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इटली की राजधानी क्या है? रोम। अब यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ब्रिक्स से रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पे लिए हुए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना काफी आसान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे बताने कि भाई 2019 का जो विश्व ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी थीम बतानी, इसका विषय क्या रहा? तो देखिए 2019 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका विषय आप देख सकते हो क्या रहा? एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, ये विषय रहा 2019 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बाल दिवस का अभी पिछले एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, हर साल मनाया जाता है 14 नवंबर को। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पे हर साल 14 नवंबर को ये बाल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम बताना है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो देखो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम पूछे तो उद्धव ठाकरे, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की जो राजधानी पूछे तो मुंबई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2019 विश्व कबड्डी कप की मेजबानी किस राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की, ये आपको बताना है भाई। आपको बताना है कि भारत में 2019 का जो विश्व कबड्डी कप हुआ, इसकी मेजबानी भारत के कौन से राज्य के द्वारा आयोजित की गई, ये आपको बताना है। तो ये की गई पंजाब, पंजाब के द्वारा इसको आयोजित किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। गाइस पंजाब हमारा आंसर है। तो यहाँ देखिए, पंजाब की बात करें तो ये इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पंजाब की लोकेशन इस जगह पड़ता है पंजाब, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, मतलब कि लोकेशन पता होना जरूरी है। अब यहाँ पंजाब से जुड़े फैक्ट्स देख लीजिए, पंजाब की बात करें तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब की राजधानी क्या है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है अमरिंदर सिंह और पंजाब के जो राज्यपाल है इनका नाम है वीपी सिंह बदनौर, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि हाईकोर्ट जो है पंजाब का, उसकी चीफ जस्टिस कौन है, ये चाहो तो याद रख लो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। यह है अमरिंदर सिंह जो कि है पंजाब के मुख्यमंत्री, और यह है वीपी सिंह बदनौर जो कि है गवर्नर पंजाब के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि कौन से संगठन को गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 मिला।
तो जो गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 है ये किस संगठन को मिला? तो गाइस गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 की बात करें तो तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया को मिला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात हो रही है तो देखो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात करें तो हर साल इसको मनाया जाता है 16 नवंबर को। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नेशनल प्रेस डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि टाइम्स 100 अगली सूची में किस भारतीय खिलाड़ी का नाम दिया गया है? टाइम्स 100 अगली सूची में किस भारतीय खिलाड़ी का नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है दूती चंद का नाम दिया गया है इसमें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह, इनको किस राज्य में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया इन्होंने? देखो दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं गाइस, भारत के रक्षा मंत्री का नाम पूछे तो आपको आंसर करना होगा राजनाथ सिंह। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है 16 नवंबर 2019 को जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने किस राज्य में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया? तो ये किस राज्य में किया? अरुणाचल प्रदेश में किया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया सिसेरी नदी पुल का। तो हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। गाइस बात हुई अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ देखिए इंडिया का जो मैप है इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें से एक है ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे इसकी लोकेशन आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश की, और कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात हुई तो राजधानी मैंने बता दी है ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू, आपको याद रखना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये है पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल जो है वो है बीडी मिश्रा, आपको याद रखना है। तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये है बीडी मिश्रा जो कि है राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के। दूसरी चीज आपको याद रखनी है चीफ जस्टिस कौन है, चलो चाहो तो आप देख लो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस 2020 का बताना है कि भाई 2020 का जो गणतंत्र दिवस है इसके समारोह पर मुख्य अतिथि कौन रहे, उनका नाम बताना है। तो 2020 का गणतंत्र दिवस की बात करें तो इसके मुख्य अतिथि का नाम पूछे तो आपको बताना है कि ब्राजील के राष्ट्रपति ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ब्राजील के राष्ट्रपति इनका नाम क्या है, तो गाइस नाम यहाँ पे लिया हुआ है जेयर मेसियास बोल्सोनारो, ये रहे 2020 का जो गणतंत्र दिवस है इसके मुख्य अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर ट्राइम्स एक द्विपक्षीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है तो जिसमें भारत और कौन से विदेशी सेना शामिल है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टाइगर ट्राइम्प जो है वो एक द्विपक्षीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, इसमें बताना है कि भाई भारत और कौन से देश के बीच की है, तो भारत और अमेरिका के बीच की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। गाइस बात हुई है अमेरिका की तो यहाँ आप देखिए यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो भाई ये है इसका मैप, है ना, ये चीज़ आपने देख ली। मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ये देखते हैं। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी और इसकी करेंसी अमेरिकन डॉलर यूएस डॉलर, और प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ का जो डायलिंग कोड है +1 और हमारे इंडिया का है +91। डायलिंग कोड पूछे जाते हैं ALP के पेपर में पूछे गए थे, जो ALP 2018 का पेपर हुआ था उसमें, इसलिए यहाँ पे डायलिंग कोड साथ में ले लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने गन्ना किसानों के लिए गन्ना ऐप लॉन्च किया है, हमें बताना है भारत के उस राज्य का नाम बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने गन्ना किसानों के लिए गन्ना ऐप लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भाई सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों के लिए गन्ना ऐप है इसको लॉन्च किया है। बात हुई है उत्तर प्रदेश की तो यहाँ देखिए भाई इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ आपको याद रखना है। एक सेकेंड,
हाँ ये हमने कर ही लिया है। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश की बात हुई तो गाइस उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हो योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं इसके उत्तर प्रदेश के। और यहाँ के उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ये आप देख सकते हो गाइस ये आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है जो मतलब राष्ट्रीय उद्यान जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड एयर समिट 2019 का विषय बताना है क्या रहा, गुड एयर समिट 2019 के लिए विषय क्या रहा ये आपको बताना है। तो क्या रहा, मेकिंग इंडिया ब्रीथ, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। गाइस राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की बात हो रही है जो कि हर साल मनाया जाता है 17 नवंबर को, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबरीमाला मंदिर स्थित है, हमें भारत के उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पे सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, केरल में। गाइस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर है केरल। अब यहाँ देखिए बात केरल की हो गई है तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था तो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। गाइस देख लीजिए केरल की लोकेशन इस जगह है, यहाँ से देखो यहाँ से तमिलनाडु का बॉर्डर टच हो रहा है और इधर से कर्नाटक का। इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में देखो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण, इदुकी वन्यजीव अभ्यारण और चिन्नार वर्ल्ड वन्यजीव अभ्यारण, ये हैं केरल में स्थित है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कुछ जो बार बार पूछे जाते हैं जैसे कि कथकली और मोहिनी अट्टम, ये यहाँ के शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस। तो गाइस आज के अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इस सेशन के, तो आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप में से कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा जिस पर क्लिक कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे उनके नोटिफिकेशन ईजिली मिल सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।